हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान अंदोलन को लेकर सवाल खड़े किए ने। उन्हों का कहना है कि किसान एक पवित्र शब्द है, पर अंदोलन के दौरान हो रही रेप से हिंसक घटनावां के कारण इस बदनाम किया जा रहा है। तो ही उन्होंने ये भी इल्जाम लगाए ने कि सरकार ने खेती कानून दियां कई खूबियां दसियां ने, पर किसान बिना कोई कमी दसे इस कानून को रद्द करवाने उत्ते अड़े हुए ने। किसानों वाला विषय चल रहा है, इसमें वैसे तो मैं बहुत बार अपील कर चुका हूँ आपके माध्यम से। अब चूंकि लंबा समय हो गया, 7 महीने हो गए हैं, और 7 महीने में ये अंडरस्टैंडिंग आम जनता की तो बन गई है कि अगर कुछ होना होता, कुछ आगे बढ़ना होता तो बढ़ गया होता। हम लोग अपने किसानों के जो बिल बनाए गए हैं, कानून बने हैं, उनकी जितनी भी सार्थकता है, उनके जो विशेषताएं हैं, वो सब हमने जनता को बताई हैं, बार बार बता रहे हैं, और वो इसमें कमियां क्या हैं वो बताए बिना एक ही जो रट लगाए हैं कि नहीं कुछ भी हो बनाला उथे दा उथे, एक जो जिद है वो पकड़ के बैठे हैं। जिद नहीं पकड़नी चाहिए, खुल करके बात करना है। तो कल भी, 2 दिन पहले भी कृषि मंत्री जी ने कहा है कि वो खुल करके बात करें, लेकिन इस कंडीशन के साथ आए कि नहीं बिल वापस करोगे तो हम आते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, उस प्रकार का लाभ नहीं है। और फिर एक जो मैं अपने मन में कठिनाई समझ रहा हूँ वो ये कि किसान शब्द जो है ना, ये बड़ा पवित्र शब्द है। किसान के प्रति एक श्रद्धा आस्था ये सबकी है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी नहीं है, जो आंदोलनकारी नेता है उनकी भी है, हमारी भी है, आम जनता की भी है, सरकारों की है, सबकी है। लेकिन इस आंदोलन का एक दुखद पहलू ये निकल आया है कि इस आंदोलन के साथ कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि जो इस शब्द को भी बदनाम करने के लिए और लोग मुंह खोलने लगे हैं। यानी तरह तरह की जो घटनाएं हैं आप लोग देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर तक हो गए हैं, लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ विवाद, रास्ता छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, पंचायतें होने लग गई हैं, आपस में एक दूसरे के विरोध में इनकी भाषाएं चलने लग गई हैं, सरकार के साथ टकराव, अलोकतांत्रिक तरीके से जो काम करने का उनका विषय है, इसकी मैं निंदा करता हूं। यानी हम संयम बरते हुए हैं, वो हमेशा क्या कहेंगे, ये मंत्री नहीं जा सकता, ये MLA नहीं जा सकता, मुख्यमंत्री नहीं जा सकता, उप मुख्यमंत्री नहीं जा सकता। आखिर सरकार को जो चला रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है जनता में जाना और जनता की बातों को सुनना, और जिस प्रकार से उनके एक नोटिस निकलते हैं और जिस प्रकार का चैलेंजिंग भाषा में रहता है, तो एकदम शुद्ध अलोकतांत्रिक है ये। भले हमारे ऊपर कितनी बार वो कितनी छिटाकसी करते हैं, हम अपना संयम बरतते हैं, हम कुछ नहीं कहते हैं, हम कहते हैं आखिर ले दे कर, तो अपने ही लोग हैं, हरियाणा के ही लोग हैं, बाहर के तो नहीं हैं। जब हमारे अपने लोग हैं कुछ बातें कह भी रहे हैं तो हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, लेकिन सीमा से आगे बढ़ना ये किसी के हित में नहीं है। अब जब सीमा से आगे बढ़े तो हमको कहना पड़ा एक बार कि आप लिख करके दीजिए कि हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाएंगे, कहीं भी हिंसात्मक काम नहीं करेंगे, और हिंसात्मक गतिविधि होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, FIR भी होगी, और उस FIR के बाद कोर्ट के जो नोटिस आएंगे वो भी उनको जाएंगे, कोर्ट अपना काम वो भी करेगा। इसलिए एक सीमा तक तो संयम बरतना भी अच्छा लगता है। आखिर की कितनी घटनाएं पिछले राज्यों में 2014 से पहले किस सरकार के किस मुख्यमंत्री के काल के अंदर कोई ना कोई बड़ी घटना नहीं हुई किसानों के साथ, क्या क्या कांड नहीं हुए, कहीं मंडियाली कांड है तो कहीं कंडेला कांड है तो कहीं कितने ही है, गिनोगे तो। लेकिन हम संयम इसलिए बरतते हैं कि नहीं, आखिर किसान शब्द जो है इसकी पवित्रता ये बनी रहनी चाहिए, और अगर किसान शब्द की पवित्रता खत्म कर दी जो इनके कामों से हो रही है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान किसान का कर रहे हैं। किसानों का नुकसान न करें, ये मेरी अपील है। हम तो किसानों के लिए कितना काम कर रहे हैं हरियाणा में, कितनी बार मैं गिना चुका हूं। यानी सबसे बड़ा इनका विषय है कि प्रोक्योरमेंट, केंद्र सरकार केवल 2 ही चीजों की प्रोक्योरमेंट करती है, धान और गेहूं। हम 10 फसलों की प्रोक्योरमेंट करते हैं, बाजरे की प्रोक्योरमेंट में तो इस बार 800 करोड़ रुपए से ज्यादा ये लॉस हो रहा है हमको। फिर हम मूंग करते हैं, मूंगफली करते हैं, मक्का करते हैं, कपास करते हैं, इस बार तो जौ और तिल भी शुरू किए हमने, चना करते हैं, उन 2 फसलों के अलावा बता रहा हूं मैं, सूरजमुखी करते हैं। तो फसलें हालांकि
भले क्वांटिटी उनकी कम होती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, जिन फसलों की आवश्यकता है, दालें हैं, तिलन है, जितना बोएंगे हम सब उठाएंगे और उसका पैसा भी ज्यादा मिलता है किसान को। सरसों इस बार जो प्रोक्योरमेंट रेट है उससे 1.5 गुना से भी ज्यादा मिली है, और बल्कि सरसों जिन्होंने खरीदी उनको टैक्स भरना पड़ा, तो किसान वहां जाकर के बेचता, किसान कहता है कि मैं वहां बेचूंगा तो मुझे 5 रुपया ज्यादा मिलेगा। जब हमने कहा कि वहां टैक्स तो आपको वहां भी देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अभी कानून पुराने हैं, नए कानून लागू होते ही वो टैक्स खत्म हो जाएगा, और टैक्स खत्म होगा तो 5 रुपया क्विंटल किसान को ज्यादा मिलेगा। अल्टीमेटली अगर पुराने कानून लगे रहेंगे तो 5 रुपया का नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है? नेताओं की है। और अगर ये टैक्स हट जाए, नए कानून लागू हो जाए, तो 500 रुपया किसान को ज्यादा मिलता है। केवल सरसों में नहीं, कोई भी फसल बार बेचेंगे तो ना मंडी फीस लगेगी, ना HRDF लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब तक ये पुराने कानून, हमें इस कारण से पुराने जो एक बार कानून नए बन रहे हैं, हमने जो MSP की ऐसी आइटम्स मंडी के अंदर जो हम खरीदते नहीं है, MSP नहीं है उनका, 4% किया था किसका? बासमती का। अल्टीमेटली जब कानून नए लागू नहीं हुए तो वापस हमको 4% करना पड़ा, क्योंकि वो पुराने कानून के हिसाब 4% ही है। वो अल्टीमेटली नुकसान तो या तो किसान का, व्यापारी का, किसान तो हो ही रहा है। तो इसलिए मैं इस, यानी इन शब्दों में आर्थिक दृष्टि से समझाना चाहता हूँ कि पुराने नियमों का कितना नुकसान है और नए नियमों का कितना लाभ है। तो सर ये जो टोल फ्री कर रखे हैं, इसको लेके भी गडकरी साहब से बात, गडकरी साहब ने एतराज जताया कि ये टोल जो है चालू कराओ, खुले कराओ। हमने कहा ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इस पर संज्ञान लीजिए। वो संज्ञान लेंगे। हमने हमारे जो HSIDC के थे 3 टोल KMP के, हमने चालू करा दिए। हरियाणा के 3 टोल थे, हमने चालू करा दिए। अब ये मैंने बताया कि जो आंदोलनकारी बैठे हैं वो वास्तव में किसान नहीं है। वास्तव में जो किसान है वो इन नियमों से, इन कानूनों से कोई एतराज नहीं उसको। ये केवल राजनीतिक तौर के ऊपर चीजों को आगे बढ़ाए हुए हैं। पंजाब के अंदर चुनाव आ रहा है, पंजाब की टीम तो इसलिए लगी है, हमारे यहाँ तो कोई चुनाव उनाव है नहीं। लेकिन केवल जिसको कहना चाहिए कि पॉलिटिकल एक एंगल से सरकार को बदनाम कैसे किया जाए, कांग्रेस पार्टी इनका सहयोग कर रही है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। कुछ और जिन लोगों को लगता है कि पॉलिटिकली हमको इस नैया के ऊपर बैठ करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आज जितने मुट्ठी भर लोग हैं, अभी बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। अब कोई हमसे पूछ सकता है अगर मुट्ठी भर हैं तो फिर आप उनका मुकाबला कार्यक्रमों के माध्यम से क्यों नहीं करते? भले मुट्ठी भर हैं तो भी अपने हैं, तो भी हमसे टकराव नहीं चाहते। लेकिन सर वो कानून को तो हाथ में ले रहे हैं। नहीं नहीं लिया, लेकिन उसके बाद हमने उसको चेक किया तो उन्होंने आखिर में जींद में लिख करके दे दिया टोहाना में कि हम जो है कानून में हाथ में नहीं लेंगे। और जब कानून हाथ में लेने की कोई बात करता तो उसका ये अच्छी बात है कि वो निंदा भी खुद करते हैं। नहीं नहीं सर वो लिख के दिया, वो तो मीडिया में छपा है, बात हुई कि नहीं तो उन्हीं के साइन है, दो आदमियों के साइन उन्हीं की ओर से है, ये आप देख लीजिए उन्होंने कहा है कि नहीं कहा है। तो इसके लिए मैंने बताया कि हम अभी पंचायतें जो कर रही हैं उनसे बातचीत, उनकी बैठकें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उन्होंने एक रास्ता खोलने की बात कही है और मुझे लगता है कि अब खुल जाना चाहिए रास्ता बहुत जल्दी। अब वो उस रास्ते को बंद रखने के लिए कोई ताकत भी नहीं बची है उनके पास, खुल जाएंगे जल्दी। टकराव ना हो बस, यही संयम है। जिस दिन टकराव होने लगा संयम भी टूटेगा। विदेश मंत्री, उनसे बातचीत की थी, इस बार मुझे मिलना था, वो विदेश गए हुए हैं। बाद में जो विदेश राज्य मंत्री हैं मुरलीधरन जी, उनसे मेरी बात हुई है, वो अभी 2 दिन बाद आपस में मिलने वाले हैं। गंभीरता से उन्होंने इस विषय को लिया हुआ है, अपनी हाई कमीशन में बात उन्होंने की है कि हाई कमीशन उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ इशू को टेकअप करे, और टेकअप करने के बाद जो वहां के कानून के हिसाब से अगर कहीं किसी ने दोष किया है तो उसका भी फैसला कर दें। अब कोई दोष ऐसा तो कुछ है नहीं, आपस में दो वर्गों का टकराव हुआ, खालिस्तान के नारे लगाने के बाद विशाल जूड ने तिरंगा झंडा उठा करके उनका विरोध कर दिया। इतना ही एक दोष विशाल जूड का है कि उसका उस समय वीजा समाप्त हो चुका था, तो वीजा समाप्त हो चुका था तो उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए, वापस भेज देना चाहिए। उस घटना में दोष नहीं है कोई विशाल जूड का। क्या विषय है जरा जानकारी सारी आएगी तो उसको भी देखिए। हम हर NRI का सहयोग करेंगे जो हमारे हरियाणा का है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई आएगी तो उसकी, उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमेशा हम तैयार हैं। किसानों की मैं बातें बता रहा था आपको,
सात फसलें ऐसी हैं, प्रोक्योरमेंट जो करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन सात फसलों पर हम प्रति क्विंटल बीज की जो सब्सिडी है वो हम देते हैं, गेहूं, धान, जौ, सरसों, तोरिया, चना व दालें और बाजरा, इन सब पर 1000 रुपए से लेकर के और 4000 रुपए तक प्रति क्विंटल ये हम सब्सिडी देते हैं बीज के ऊपर। हमारा जो बीज विकास निगम है वो सब देता है। किसान जो कृषि यंत्र खरीदता है उसके ऊपर भी 50% से लेकर के 80% तक सब्सिडी दी जाती है। यूरिया पर 70% सब्सिडी है। डेयरी स्थापित करने के लिए दुधारू पशुओं पर भी बैंकों से ब्याज मुक्त उनको ऋण मिलता है। 3 पशुओं की डेयरी, सुअर पालन, भेड़ बकरी आदि इकाइयां अगर स्थापित करते हैं तो उसके लिए 50% अनुदान ये भी मिलता है। कृषि कार्यों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज बिना ब्याज के उपलब्ध करवाया जाता है। भूमिगत पाइपलाइन पर 10,000 रुपए प्रति एकड़, अधिकतम 60,000 रुपए प्रति किसान ये अनुदान राशि भी हम देते हैं। बैटरी 40 स्प्रे पंप पर 50% की सब्सिडी ये दी जाती है। बिजली का तो आपको पता ही है कि मात्र 10% जो हमारा 4.5 रुपए से 5.5 रुपए तक खर्च आता है अलग अलग प्रकार की बिजली का, एवरेज हम 5 रुपए भी लगा लें तो किसान को केवल 10 पैसे यूनिट में दी जाती है। 6,200 करोड़ रुपया हर वर्ष का ये सब्सिडी दी जाती है। हॉर्टिकल्चर आम, अमरूद, स्ट्रिप्स, सिट्रस आदि फलों पर प्रति एकड़ 20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। सोलर पंप के लिए 75% का अनुदान ये सरकार देती है। फसलें खराब होने पर जैसा मुआवजा है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तो प्रीमियम का होता है, वो तो देते हैं, उसका आधा प्रीमियम सरकार देती है, लेकिन अगर नहीं भी कराया तो 12,000 रुपया प्रति एकड़ ये सरकार की ओर से दिया जाता है। मशरूम की खेती पर 40%, हाइब्रिड सब्जी पर 50%, वर्टिकल खेती पर 65%, मधुमक्खी पालन और उनके बक्से खरीदने पर 75 से 85%। और सबसे अधिक एक महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रति परिवार 3 किस्तों में 4 किस्तों में, ये 3 किस्तें 4-4 माह की, ये 19 लाख परिवार हरियाणा के जिनको ये पैसा आता है। तो अगर ये हिसाब लगाया जाए तो कई 1,000 करोड़ ये किसानों के नाम से सब्सिडीज जाती हैं, प्रधानमंत्री का जो किसान सम्मान निधि है उसका सब मिला लें तो कई 1,000 करोड़ पे बैठता है। आज भी हरियाणा का किसान, मैं कहता हूँ पूरे देश भर में सबसे ज्यादा सहयोग हरियाणा सरकार करती है, अगर ये सारे हिसाब लगाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन विषयों को आपके माध्यम से मैं सारी जनता को भी, किसानों को भी बताना चाहता हूँ। किसान हमारा अन्नदाता है और इस किसान, क्योंकि बड़ा वर्ग किसानों का हरियाणा में, उनकी स्थिति ये हम सुधारना चाहते हैं। और किसान ही नहीं तो कोई भी जो गरीब परिवार है उन सबको हमने उसको उसका जो डाटा है वो लेकर के ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। उसमें मेरा ये परिवार पहचान पत्र नाम से हमने जो घोषणा की कि हर एक परिवार की इनकम कितनी है इसका हम वेरीफाई करा रहे हैं। वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया, कोविड के कारण से थोड़ा लेट हुआ था, अभी फिर वो ठीक स्पीड पकड़ गया है और अब उसकी पहली जो एक जिसको डेटा की एक किस्त कहनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट कहनी चाहिए, 50,000 रुपए तक जिन परिवारों की अभी तक हम पहचान कर पाए हैं, अभी चल रहा है लेकिन अभी जो एक बन अभी तक जो आंकड़ा आया है 30,000 परिवारों का आंकड़ा लगभग ये हमारे पास आ चुका है जिनकी आय वास्तव में 50,000 रुपए साल से कम है, यानी 4,000 रुपए महीना सिर्फ। ऐसे परिवारों का हमारे 6 डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने जिम्मा लिया है कि इन सब परिवारों की आय पहले खेप में 1,00,000 रुपया और फिर उसके बाद 1,80,000 रुपया ये हम करेंगे साल भर के अंदर अंदर। इनको कल से इन परिवारों को सूची दे दी जाएगी, इन सब का वो इंटरव्यू करेंगे सभी डिपार्टमेंट, वो कॉमन एक प्लेटफॉर्म बनेगा, हर एक डिपार्टमेंट का एक एक आदमी उसमें रहेगा और सब 35,000 का इंटरव्यू किया जाएगा कि वो क्या काम करना चाहते हैं। कल से शुरू करके और इसको 15 दिन का ये जिला वाइज सूचियां मिलेंगे उनको सबको, 15 दिन का उनको समय दिया जाएगा। हमने भी 15 दिन सोचा है, मान लो डिले होगा तो और आगे 15 दिन एक्सटेंड करेंगे, लेकिन 1 महीने के बाद उनके प्रॉपर काम, जिस किसी को पशु पालना है पशु उसको दिया जाएगा, किसी को छोटा कोई MSME का कोई अपना प्रोजेक्ट लगाना तो वो लगाएगा, किसी को गाय भैंस बांधनी है उसके लिए पैसा दिया जाएगा, किसी को लोन लेकर के कोई छोटी मोटी दुकानदारी करनी है वो दिया जाएगा, किसी को वाहन चलाना है, रिक्शा गाड़ी चलानी है वो उसको दिया जाएगा, मजदूरी करने वालों को जो ठेकेदार हैं उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है, उनको कह करके हम उन लोगों के ठेके की जो मिनिमम की होती है वेजेस
उसको उस पर भी करेंगे तो भी लाख रुपए से ऊपर परिवार को मिल जाता है। ये मुख्यमंत्री परिवार उत्थान अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, तो उस पर मेरा अभी बताने का अर्थ है, योजना तो पहले हमने बना ली, देखना अब कल से इस पर काम शुरू हो जाएगा। 30,000 परिवारों की एक सूची ये कल डिपार्टमेंट्स को दे दी जाएगी, वो फिर अपने सिस्टम से आगे हर एक जिले में जा जाके उनके सबके इंटरव्यू करेंगे। 50,000 क्या होता है, बीपीएल तो हमने 1,80,000 तक माना है, ये तो बीपीएल से भी बीपीएल है, सबसे गरीब। इसलिए हमने इसको इस ढंग से योजना बनाई है कि लोएस्ट इनकम ग्रुप हमको पहले पहचान करनी है। हम एक पैरामीटर तो मान लेते हैं भी 1,80,000, अब 1,80,000 तक कितने निकलेंगे, लेकिन 1,80,000 वाला भी अपने घर परिवार को चला रहा है, 1,80,000 का मतलब होता है 15,000 रुपये महीना। लेकिन जो बिल्कुल ही 2,000-5,000 पर बैठे हैं उनकी चिंता तो हमको पहले करनी पड़ेगी। तो इसलिए अंत्योदय परिवार उत्थान योजना इसको हम आगे बढ़ाएंगे, और इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अगली सूची आती जाएगी। पहले साल में हम 1,00,000 परिवारों की हमने टारगेट रखा है, अभी 30,000 की लिस्ट कल जारी करेंगे, इसके बाद फिर बाकी जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद जारी करेंगे। तो मोटे रूप से मुझे आज आपके सामने ये विषय सब रखने थे, विषय काफी आए हैं। किसानों का एक मौका आपने स्वीकार किया था गांव में जाने का कार्यक्रम, कमरथाना गांव, वो तय हो गया? देखिए, उन्होंने ही कहा था कि हम 15 दिन बाद आएंगे, और मुझे लगता है कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, 15 दिन अभी हुए नहीं है, जिस दिन 15 दिन बाद आएंगे मैं उनको समय दूंगा, ये उनका काम है, समय लेंगे मैं दूंगा। बल्कि कल चरखी दादरी से एक एडवोकेट ने कहा है कि मैं किसानों का वहाँ कार्यक्रम कराऊंगा, और वो जिस दिन मेरे से समय मांगेंगे मैं वो समय दूंगा। अभी कोर्ट में भी केस है, लेकिन कोविड के कारण से ही ये विषय रुका हुआ है। कोविड का मामला अगर मान लो थर्ड वेव नहीं आती है और ये इस मामला रूटीन में ठीक हो जाता है तो आने वाले कुछ महीनों में इसका निर्णय लेंगे। सीएम साहब, पंजाब सीएम से आपकी कोई बात हुई है, क्योंकि केंद्रीय जल मंत्री ने ये कहा था कि आप मीटिंग कीजिए, कोई संपर्क हो पाया था? और क्या लगता है कि पंजाब में जिस तरह से चुनाव आ रही है उनका रुख क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले पंजाब का रुख जो है सकारात्मक नहीं रहा? देखिए, जहाँ तक मीटिंग का विषय है, ये केंद्रीय हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं उन्होंने ही इसके इनिशिएटिव लेकर के उनसे बात करनी है, वो बात करेंगे, डेट कोई तय होगी तो मीटिंग करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं स्वयं बात करूंगा तो कोई मीटिंग करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली समन्वय तो इसका केंद्र सरकार को ही बैठाना है। उन्होंने ही कहा था कि मैं बात करता हूँ, एक मीटिंग आपकी कराता हूँ। नहीं, अगर चुंगियों वाली प्रॉपर्टी जगह अगर पड़ी है तो वो पंचायतों की या नगर पालिकाओं की है, जहाँ वो थी तो नगर पालिका उसको जैसा उपयोग करेगी। देखिए, हमने स्वायत्तता दी है इन विभागों को, पंचायती राज एक्ट जो बना था उसमें लोकल बॉडीज को स्वायत्तता दी जाए, तो जो प्रॉपर्टी उनकी है वो उनके पास रहेगी। उनसे अगर प्रदेश सरकार लेती है तो पैसा दे के लेती है, और वो अगर प्रदेश सरकार की कोई जमीन अगर लेते हैं तो पैसा दे कर लेते हैं, वो उसके लिए कलेक्टरेट फिक्स किया हुआ है। तो प्रॉपर्टी का उपयोग क्या होगा, अलग अलग जगह से है, जैसा होगा वैसे वो करेंगे। उनके सारा सर्वे हो गया है, 3400 परिवार ऐसे व्यक्ति ऐसे निकले हैं जो हरियाणा के वोटर हैं, परिवार लगभग 1400 हैं। तो ऐसे 1400 परिवारों के लिए हमने कहा है कि हमारे पास वहाँ फ्लैट है बने हुए, उस फ्लैट का एक रेट भी तय है, उसकी किस्तें तय करनी है और बैंक से तालमेल बैठाना है, कुछ पैसा उनसे पहले लिया जाएगा, बाद में किस्तें करके उनसे वो बैंक को देते रहेंगे। उन 1400 परिवारों का तो मोटे रूप से हमने तय कर लिया है, बाकी परिवार क्योंकि दिल्ली के परिवार हैं, वोटर वहाँ है, कोई वोटर कहीं भी नहीं होगा, वो बाद में आया होगा बैठा होगा, तो जैसा योजना उनकी। वहाँ पर गाँव है डबुआ कॉलोनी, कल 1 जुलाई है, और 1 जुलाई विश्वभर में डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, और अभी ये जो दौर चला है निकला है अभी तक, इसमें पिछले 1.5 वर्ष से जैसे हम कोविड के स्पीड में से निकल रहे हैं, उसमें मैं मानता हूँ कि डॉक्टर्स की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका रही है, डॉक्टर्स के प्रति बहुत कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं। कोरोना वॉरियर्स के रूप में, फ्रंट लाइनर्स के रूप में डॉक्टर्स ही एक प्रकार के बहुत से लोगों की जीवन को बचाने में और उनका योगदान रहा है। तो मैं इस अवसर पर आज 1 जुलाई की पूर्व संध्या पर सभी डॉक्टर बंधुओं को शुभकामना देता हूं, और मानव सेवा में जिस मनोभाव से वो लोग लगे हैं
इसी मनोभाव से और भी आगे काम करते रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज दो पोर्टल्स आपके सामने अभी लॉन्च किए गए हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया भी गया है। पहला इसमें था जन सहायक। हम लोग देखते हैं कि सरकारी सेवाएं, बहुत सी ऐसी योजनाएं, बहुत से विभागों की अपनी वेबसाइट्स, बहुत इमरजेंसी की सेवाएं, इतना बड़ा ये संसार हो गया है ऑनलाइन का कि हर किसी को उसके प्रॉपर एड्रेस के साथ याद रखना, फिर उसको ढूंढना, फिर उस पर जाना, अपने आप में एक बड़ी एक्सरसाइज हो गई है ये। तो इस सारी एक्सरसाइज को सरल करने के लिए हमने एक ही जो ये बनाया है पोर्टल, जन सहायक पोर्टल। ये जन सहायक पोर्टल एक प्रकार का यो कह सकते हैं कि गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, कि हरियाणा गवर्नमेंट की कोई भी सेवा, सर्विस, योजना या किसी भी विभाग से जुड़ी हुई कोई जानकारी, हमारे अपने मन में आई हुई जो सुझाव हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कोई भी बात जो रखनी होगी, तो इस गेटवे ऑफ हरियाणा यानी जन सहायक के माध्यम से, आईटी गेटवे कह सकते हैं, तो एक इसमें जाने के बाद हमको हर चीज़ प्रॉपर स्थान के ऊपर मिलेगी। और ये अच्छी बात है कि दोनों भाषाओं में, द्विभाषी मोबाइल ऐप है ये, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये सेवा रहेगी। गवर्नमेंट की जितनी सेवाएं हैं सिटीजन के लिए, वो इसके माध्यम से ये प्राप्त की जा सकेंगी। इसमें नौकरियां हैं, इसमें टेंडर्स हैं, इसमें आगामी कार्यक्रम की जानकारी है, बिलों का भुगतान है, प्रेस विज्ञप्तियां, यानी आपको जितनी प्रेस विज्ञप्तियां भी इसके माध्यम से, जो प्रेस नोट्स हैं वो भी इसके माध्यम से, वैसे तो जो रूटीन में जाते जाएंगे ही, लेकिन इसके माध्यम से भी मिल जाएंगे। और जो नई नई जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इसमें मिलती जाएगी। कैलेंडर्स साल भर का वो इसके अंदर लोड होगा, जो हरियाणा की दूरभाष निर्देशिका, जो भी हर सरकारी कर्मचारियों को जो हमारी डायरेक्टरी है, उसका भी इसके अंदर पूरा उल्लेख होगा। और इसमें किसी भी तरीके से उसके नाम से, विभाग से, श्रेणी से, किसी जरूरत के हिसाब से, सर्विस के कोई भी जो नाम होगा उसमें कोई शब्द भी उसमें डालेंगे तो सर्च की ऑप्शन बहुत एक फ्रेंडली बनाई गई है कि आपको मान लो कोई चीज़ नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, तो सर्च में भी आप एक शब्द डालेंगे, वो शब्द जहाँ जहाँ जिस जिस ऐप में उपयोगी होगा वो सारी ऐप्स आ सकते हैं उसमें। आप फिर संबंधित जो ऐप आपने ढूंढनी है, पोर्टल ढूंढना है, वेबसाइट ढूंढनी है, वो संबंधित उसमें से आप ढूंढ सकते हैं। ABP, जोश, जज्बा, जुनून।